दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम लोग फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग को लेके आए हैं। 30 सितंबर तक जिन्होंने मेरे को कुंडली प्रोवाइड करी, उन लोगों की जिन जिनकी सिलेक्ट हुई उनकी धीरे धीरे मैं वीडियो बनाऊंगा। उनमें से एक वीडियो आज बनाने वाला हूँ, एक कुंडली की रीडिंग आज करने वाला हूँ, अभी करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब हम लोग बात करेंगे कुंडली के रिगार्डिंग। कुंडली के रिगार्डिंग बात करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, देखिए आप लोगों को मुझे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है तो मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट अपना वीडियो देख सकते हैं अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है तो। अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को और अगर आप मेरे वीडियोज़ पसंद करें या आपको अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवानी है तो आप भी करवा सकते हैं। सिलेक्टेड कुंडली की होती है, बार बार फ्री कुंडली के बाद सुनना मत बंद करिएगा, कान को थोड़ा सा ओपन रखिएगा, अपनी थॉट प्रोसेस को ओपन रखिए। सिलेक्टेड कुंडलीज का रीडिंग होता है तो 15 अक्टूबर तक जिन्होंने मुझे फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग का रिक्वेस्ट डाला है उनके दो सवालों के जवाब मैं 15 अक्टूबर में दूंगा, जिनका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिनकी कुंडली सिलेक्ट हो जाएगी आफ्टर 15 अक्टूबर। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवानी है तो आप भी इस प्रोसेस में अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही अपना फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग जो करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे ही अपना नंबर प्रोवाइड करें, अपना डिटेल प्रोवाइड करें, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ उसमें सिर्फ व्हाट्सएप, उस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट्सएप पे अगर आपको अगर अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो व्हाट्सएप पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नाम, जेंडर, दो सवाल और चैनल सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है 15 अक्टूबर पर आपकी रीडिंग हो जाएगी। बहरहाल ये थी बात जिनकी, जो लोग नए लोग हैं जिनको अपनी फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करवानी है। अभी जिन लोगों की रीडिंग बाकी, अभी रीडिंग शुरू करी है 30 सितंबर की, धीरे धीरे जिन जिनकी रीडिंग होगी उनको उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रिपीट कई बार ये कुंडली आई है मेरे पास, तो कई बार लोग मतलब रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, तो वो रिक्वेस्ट को मैंने अभी अवेल किया है। मैंने इसको अब चाहे मैंने इसको इसके रिगार्डिंग बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कुंडली का जो है ये फादर है, उन्होंने कुंडली भेजी है। शिखा इनकी बेटी है, 13 साल की है, ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। सर आपकी बेटी का, इन्होंने इनके दो सवाल है, पहला करियर का क्या होना चाहिए, उनके प्रोफेशन वो पूछ रहे हैं या और फिर पूछ रहे हैं अगर प्रोफेशन क्या होना चाहिए और साइमल्टेनियसली उनका बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। दूसरा ये पूछ रहे हैं प्लैनेट कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं इनके चार्ट में। इनकी अभी महादशा जो चल रही है शुक्र की चल रही है, अभी आपकी बेटी के एजुकेशन चल रहा है इसलिए मैंने इसके अंतरदशाओं को डिफाइन नहीं किया है। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र 2017 से इनकी महादशा पे लग चुका है, 2037 तक शुक्र की महादशा चलेगी। 20 साल के लिए शुक्र की महादशा आपकी बेटी की कुंडली पे चल रही है। अमित जी आपकी बेटी का नाम शिखा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जी कि आपने जो करियर के बारे में पूछा, चलिए आप पहले बेस्ट प्लैनेट और वर्स्ट बैड प्लैनेट्स का भी बात कर लेंगे। किसकी पहले मैं बात करूं, चलिए करियर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। करियर आपको देखा जाए तो आप अगर शुक्र अगर आप देखें तो 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र है और एजुकेशन के हाउस का लॉर्ड शुक्र है और वो आपका 7th हाउस में जाके बैठ गया है। अब बेस्ट प्लैनेट की बात करें तो शुक्र इस कुंडली में योगकारक प्लैनेट है और उसकी महादशा चल रही है। शुक्र यहाँ पे चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी पर्सन को एक सुंदर पर्सनैलिटी बनाता है, अपेयरेंस में सुंदर बनाता है और केयरिंग और ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में उसको ग्रोथ मिलता है या सर्विस रिलेटेड चीज़ों में उसको ग्रोथ मिलता है, केयरिंग रिलेटेड चीज़ों में ग्रोथ मिलता है। रीज़न बीइंग यहाँ पे मून की राशि में शुक्र बैठा है, मून चाहे हालांकि 12वें घर में बैठा है तो हो सकता है जी कि ये अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके अपना एजुकेशन लेने की कोशिश करें क्योंकि शुक्र यहां पे या बिजनेस इनका हो तो ये अपने बर्थ प्लेस से दूर करें अपना बिजनेस। प्रोफेशन की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इनके प्रोफेशन वर्क सर्विस रिलेटेड होना चाहिए, अगर ये डॉक्टर प्रोफेशन को चूज़ करती हैं तो अच्छा रहेगा। बाकी मेरे एडवाइस ये रहेगी मेडिसिन रिलेटेड प्रोफेशन को अगर ये चूज़ करती हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य छठे घर में जाके बैठ गया है तो सर्विस रिलेटेड चीज़ों में सूर्य यहाँ पे दिखा रहा है और शुक्र भी यहाँ पे वर्किंग लॉर्ड होके बिजनेस के घर में बैठा हुआ है तो अगर ये प्रोफेशन ऐसा कुछ चूज़ करे जो बिजनेस कम प्रोफेशन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेडिसिन लाइन में, एडवोकेसी लाइन में जो लोग होते हैं या दूसरे सेक्टर में जो होते हैं जैसे मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी डीलर्स या मेडिसिन लाइन में डॉक्टर्स या नर्सिंग में जो होते हैं या हॉस्पिटल जो रन कर रहे होते हैं या ओनरशिप होती है या एडवोकेसी या लीगल फील्ड में होते हैं तो उन लोगों की प्रोफेशन डुअलिटी में आती है, मतलब वो बिजनेस भी कर रहे होते हैं और जॉब भी कर रहे होते हैं। तो देखा जा सकता है तो यहाँ पे शुक्र है यहाँ पे
चांसेस अच्छा बनाता है, एजुकेशन बेहतर देता है। मेडिसिन लाइन में अगर मून के घर में बैठा है तो सर्विस सेक्टर में वो एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करेगा। अपने एजुकेशन लेने के लिए हो सकते हैं वो बाहर चली जाए। तो वियोग कारक प्लैनेट है शुक्र, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। साइमल्टेनियसली अगर प्रोफेशन अगर बोला जाए तो फादर के थ्रू ही बिजनेस का अच्छा सेटलमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो फादर का बिजनेस हो सकता है फ्यूचर में ज्वाइन करें, या फादर उनका बच्चे को अपना बिजनेस उनका बिजनेस खड़ा करके दे दें। अगर सूर्य छठे घर में बैठा है तो जरूर ये चांसेस बनते हैं और के फादर के थ्रू ही ये बिजनेस बने, या जो इनके सडन गेन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज वगैरह से जो बेनिफिट्स मिले उससे ये हो सकता है जो कि अपना बिजनेस या प्रोफेशन उस चीज़ में बनाए। मेडिसिन लाइन में बनाने के ज़्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं। सॉरी, हालांकि इस कुंडली में कई सारे अच्छे योग हैं तो किसी भी प्रोफेशन में ये जा सकती हैं, लेकिन अगर मेरे एडवाइस माने तो शुक्र की महादशा चलेगी, फिर सूर्य की महादशा चलेगी और सूर्य के बाद मून की महादशा चलेगी। तो तीनों महादशाओं में 2037 के बाद सूर्य की, फिर मून की, तो काफ़ी लंबा पीरियड बन जाता है। इस लंबा पीरियड में अगर देखा जाए, और फिर मार्स की चलेगी, मंगल की चलेगी, तो देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में सर्विस सेक्टर में रहें, दूसरों का हेल्प करें या दूसरों के सर्विस में जो काम होते हैं वो करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं जे कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा है या करियर ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वर्किंग लॉर्ड बिजनेस के घर में जाके बैठ गया है। तो अभी एजुकेशन लेने के बाद थोड़ा लर्निंग प्रोसेस करने के बाद अगर वो खुद का बिजनेस कर लेती हैं, अगर खुद का प्रोफेशन में ही बिजनेस कर लेती हैं, डॉक्टर या कुछ ऐसी चीज़ें कर ले, इंजीनियरिंग वगैरह का मुझे खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मुझे ज़्यादातर मेडिसिन लाइन में दिख रहा है। अगर करती हैं तो अच्छा है, मतलब ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन लाइन ज़्यादा बेहतर चॉइस होगा। अगर फादर का बिजनेस खुद का मेडिसिन का तो बेहतर रहेगा। चलिए बार बार एक बात नहीं करते हैं, करियर के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, होप आपको क्लियर हो गई हो बात। इसके अलावा बात करते हैं बेस्ट प्लैनेट और बैड प्लैनेट। यहाँ पे पहले बैड प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि मून 12वें घर में जाके बैठ गया है, तो मन का भाव अच्छा नहीं रहेगा और मन के भाव में हमेशा दिक्कत रहेगी। अगर यहाँ देखा जाए तो वीनस भी मून के घर में बैठा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है वीनस यहाँ पे, क्योंकि मून के साथ वीनस की उतनी अच्छी बनती नहीं है। और यहाँ पे वीनस सेवेंथ हाउस में बैठ गया है, मारक घर में बैठ गया है, तो वीनस यहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट देगा, अपनी पूरी पावर के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हालांकि योग कारक प्लैनेट है और केंद्र में बैठा है तो रिजल्ट जरूर अच्छा देगा, लेकिन मन से इंसान थोड़ा सा परेशान रहेगा या हेल्थ से थोड़ा सा परेशान रह सकता है। अपनी महादशा में वीनस जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर देगा क्योंकि मारक घर में बैठा हुआ है। अगर बात करें अच्छे प्लैनेट्स की, तो सैटर्न यहाँ पे बहुत पावरफुल है। अगर भाग्य स्थान में शनि बैठा हुआ है और शनि का जो जिस घर का मालिक जिस घर में शनि बैठा है वो खुद अपने तीसरे छठे घर में जाके बैठा है, यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह रिलेटेड चीज़ों से भाग्य हमेशा साथ देगा। अगर कभी भी कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड कहीं पे भी, तो ये पर्सन हमेशा अपने को जीतता हुआ ही नज़र आएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहीं ना कहीं कुछ ना कोई डिस्प्यूट से या किसी से ये आदमी हमेशा ग्रो करके निकलेगा, और ये पर्सन मतलब शिखा जो है वो ग्रो करके निकलेंगी और उनको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और उससे उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। शनि 9वें घर में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान का मालिक है, लगन का मालिक शनि है, द्वितीय स्थान का मालिक शनि है, मारक भी है लेकिन एंसेस्टर प्रॉपर्टी का मालिक भी है, तो इसके इनके भाग्य में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह सबसे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर देखा जाए तो लगन का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है, लगन भाग्य में वृद्धि होगी। यहाँ पे जितना भी दिखता है फादर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, बहुत अच्छा पावर सा फादर का मिलेगा। हाँ, हो सकता है फादर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर सवाल ज़रूर खड़ा हो सकता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं फादर की कुंडली देखने के बाद और दूसरा कोई बच्चा हो तो वो सब भी मैटर करता है। तो इसके अलावा ज़रूर मैं ये बोलूँगा जी कि शनि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं, भाग्यस्थान का शनि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट वो यहाँ पे है योग कारक प्लैनेट शुक्र है, अच्छा है, योग कार्य प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शुक्र हमेशा ठंडा प्लैनेट होता है, तो शुक्र के रिजल्ट 20 साल के हैं तो धीरे धीरे आते हैं। और यहाँ पे मून के साथ बैठा है तो अपने बर्थ प्लेस से अगर ये दूर जाके कोई एजुकेशन लेती हैं तो अच्छा रहेगा, और अगर आप बिजनेस वगैरह भी बर्थ प्लेस से दूर करें तो ये वेनस अच्छा एक्टिवेट रहेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि मरकरी यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठा है, जो कि छठे स्थान में बैठा है, जो कि जहाँ पे 3 नंबर लिखा अपने ही घर पे बैठा है, तो मरकरी यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहा है। और साइमल्टेनियसली लिखा है सूर्य पंचम का मालिक होके भी छठे घर में मतलब 8वें घर का मालिक होके छठे घर में बैठा है, तो डेप्थ नॉलेज जो मैंने बोला मेडिसिन से रिलेटेड अगर वो काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ से भी रिलेटेड मतलब नॉलेज जो सीरियस नॉलेज है, जमीन से रिलेटेड नॉलेजेस हैं या जो भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ भी जो चीज़
सी मतलब इन डेप्थ में जाके जो स्टडी की जा सकती है, जो मेडिसिन हो सकता है या एस्ट्रोनॉमी हो सकती है या एस्ट्रोलॉजी हो सकती है या लिटिगेशन हो सकता है या जमीन से रिलेटेड होता है, तो सूर्य यहाँ पे इन सब चीज़ों का कारक होके और लाइफ का कारक होके जीवन का कारक होके तीसरे छठे घर में बैठा है। तो इस कारण ये सूर्य यहाँ पे योग कारक प्लैनेट बन जाता है, सॉरी विपरीत राजयोग बनाता है। तो सूर्य भी यहाँ पे नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जुपिटर यहाँ पे तीसरे घर का मालिक होकर तीसरे घर में बैठा है, अपनी मेहनत से ये जरूर अच्छा बना लेंगे और अगर मेहनत करेंगी तो अपने बर्थ प्लेस से, इनका चांसेस ये भी है कि बर्थ प्लेस से दूर इनकी सेटलमेंट हो जाए अगर थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है। तो ये बेनिफिट्स हैं लगन के। जुपिटर स्ट्रांग है, मर्करी स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है, सूर्य शनि स्ट्रांग है, और खराब अगर देखा जाए तो मंगल खराब है, मारक हो सकता है यहाँ पे मंगल, और मून अच्छा नहीं है, राहु भी खास अच्छा नहीं है। केतु और राहु बारहवें घर का, केतु वैसे राहु बारहवें घर का, राहु यहाँ पे बाहर भेजने के चांसेस बनाता है, राहु यहाँ पे अच्छा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है केतु यहाँ पे बैठा हुआ है छठे घर में, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड या जीवन में थोड़ा बहुत अकेलापन लाएगा केतु, कई सारी चीज़ों में अकेलापन लाएगा। मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे जब, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अकेलापन फील करेंगी, तो केतु यहाँ पे ये फील कराएगा, लेकिन केतु जहाँ पे बैठता है वो अकेलापन फील कराता ही है। तो बेस्ट प्लैनेट अगर मैं देखूँ तो सैटर्न है, मरकरी है, जुपिटर है और सन है, और ख़राब प्लैनेट देखूँ तो मून और मार्स सबसे ज़्यादा ख़राब है। मंगल की जब भी अंतर्दशा महादशा आएगी वो खास अच्छी नहीं रहेगी। तो ये था मेरी रीडिंग आपके लिए, अमित जी आपकी बेटी के लिए, शिखा के लिए। होप आपको पसंद आए। Thank you.